फिल्म जगत में न जाने कितनी सारी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से आसमान के सितारे धरती पर लाए। सैकड़ों हजारों नाम ऐसे भी हैं जिनकी पहचान आज धुंधली सी पड़ी है। फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए इनका नाम अनजान तो नहीं रहेगा, पर ऐसे भी लोग हैं जो सुहासिनी मूले की कहानी से वाकिफ नहीं हैं। अगर आपने भी सुहासिनी मूले को बड़े पर्दे पर देखा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। सुहासिनी मूले यह ऐसा नाम है जिन्होंने न सिर्फ अभिनय क्षेत्र में अपना नाम मशहूर किया बल्कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में भी योगदान दिया। आज की पीढ़ी ने सुहासिनी मूले जी को कई सारे फिल्मों में माँ के किरदार में देखा होगा। आशुतोष गोवारिकर की लगान फिल्म में आमिर खान की माँ का किरदार उन्होंने ही निभाया था। तो चलिए उन्हें नजदीक से जानते हैं। सुहासिनी मूले जी का जन्म पटना के मराठी परिवार में हुआ था। वह तारीख थी 20 नवंबर 1950। उनकी माता जी विजया मूले अपने जमाने की मशहूर फिल्म हिस्टोरियन और डॉक्यूमेंटरी फिल्म मेकर थीं। भारत सरकार का फिल्म संस्थान में उनका बड़ा सहयोग रहा है। इसी कारण से विजया मूले को भारत सरकार और फिल्म फेस्टिवल की तरफ से ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले। कुछ साल पहले यानी 19 मई 2019 को 98 साल की उम्र में विजया मूले जी का निधन हुआ था और जब सुहासिनी के पिताजी का निधन हुआ था तब वह मात्र 3 साल की थी। इसलिए उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन माता जी के साथ गुजारा। माता जी के कारण सुहासिनी को भी फिल्म मेकिंग और अभिनय क्षेत्र में आना पड़ा, पर आगे चलकर सुहासिनी के जीवन ने ऐसा मोड़ लिया जिसके स्वरूप उन्हें फिल्मों से दूरियां बनानी पड़ी। पर उसके पहले बात करते हैं कि कैसे उन्हें अपने जीवन की पहली फिल्म भुवन शोम मिली। 1965 के साल में साबुन कंपनी ने सुहासिनी मूले को मॉडल के रूप में चुना था। उस वक्त वह स्कूल में पढ़ रही थी। उस वक्त के मशहूर बंगाली फिल्मकार मृणाल सेन ने उन्हें पर्ल साबुन के एड में देखा और आगामी सोशल ड्रामा फिल्म भुवन शोम में बतौर लीड एक्ट्रेसेस कास्ट कर लिया। जब यह फिल्म रिलीज हुई तब सुहासिनी मात्र 16 साल की थीं और उनके हीरो उत्पल दत्त थे। आपको यह भी बता दूं कि उस वक्त इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। इतनी बड़ी सामाजिक फिल्म करने के बाद सुहासिनी आगे चलकर बड़ी हीरोइन बन सकती थीं और उनके पास मौका भी था, पर वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थीं। आमतौर पर अभिनेत्रियां रेड कार्पेट के इंतजार में अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देती हैं, पर इसी रेड कार्पेट को सुहासिनी मूले ने इनकार कर दिया और आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चली गई। कनाडा में उन्होंने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सॉयल केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों का अध्ययन किया और शिक्षा की ओर पहला कदम उठाया। पर 2 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें फिल्म मेकिंग से संबंधित कोर्स करना चाहिए, इसलिए वह मास कम्युनिकेशन में आई और ग्रेजुएट होकर दोबारा भारत लौट आई। अपने देश में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले दूरदर्शन और FTII के लिए जॉब किया, पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दूरदर्शन की आंतरिक व्यवस्था के कारण उन्हें जॉब छोड़ना पड़ा था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी सुहासिनी को यह पता नहीं चला कि वह असल में किस फील्ड में काम करना चाहती हैं, पर एकाएक उनकी जिंदगी उसी मोड़ पर आई जहां उनकी माताजी कार्यरत थीं। 1975 के साल में दिल्ली में आयोजित हुए फिल्म फेस्टिवल में सुहासिनी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थीं। वहां मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे साहब जूरी मेंबर थे। उन्हें सुहासिनी का काम अच्छा लगा और उन्हें पर्सनल असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया। उस वक्त वे जन आरण्य नामक बंगाली फिल्म बना रहे थे। उस वक्त सत्यजीत रे साहब के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारे अवार्ड्स भी मिल जाते थे, इसलिए सुहासिनी ने उनके साथ काम करने का निर्णय लिया। आगे चलकर उन्होंने मृणाल सेन के लिए भी काम किया। सामाजिक फिल्में बनाने वाले दो महान व्यक्ति के साथ काम करने के बाद सुहासिनी मूले को अपनी राह नजर आने लगी। उन्होंने ठान लिया कि वह भी सोशल अवेयरनेस फिल्में बनाएंगी। तो फिर क्या था, सुहासिनी मूले ने अगले 20 साल में 7 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई जिसमें से 4 फिल्मों को नेशनल अवार्ड भी मिले। 2000 का दशक लगते लगते सुहासिनी जानी मानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन चुकी थीं। पर इस बीच उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए अभिनय भी किया। पर सुहासिनी मूले इस बात को भी मानती हैं कि अपनी पहली फिल्म भुवन शोम करने के बाद 3 साल तक वह फुल टाइम एक्ट्रेस नहीं थी। सही मायने में उनका अभिनय सफर 1999 में शुरू हुआ। मशहूर गीतकार गुलजार साहब की हो तो तू फिल्म के साथ सुहासिनी मूले ने अपने अभिनय सफर को दोबारा शुरू किया और किस्मत का खेल देखो, इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस का नेशनल अवार्ड मिला।
उस वक्त वह अपने 50वें साल में जी रही थीं। हो तो तू के बाद सुहासिनी मूले ने जो शुरुआत की वो आज भी अपने उच्च बिंदु की ओर जा रहा है। अब तक तो वह सिर्फ सोशल फिल्म तक सीमित थीं, पर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म लगान दिल उन्हें के बाद वह घर घर में पहचानी गई। मूले का करियर अपने आप में प्रेरणादायी है। उन्होंने अपने आप को इतना व्यस्त बना लिया कि शादी का ख्याल भी उनके मन में आया नहीं। एक इंटरव्यू में वह बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी शादी करना नहीं चाहा, पर उन्हें अपने हिसाब से पार्टनर नहीं मिला। अगले 10 साल में उन्होंने खूब सारी फिल्मों में काम किया। कॉमेडी से लेकर सीरियस किरदार तक हर प्रकार के किरदार उन्होंने आजमा कर देखे। खास बात यह थी कि हर किरदार में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ नमूना पेश किया। 2011 के साल में अचानक सुहासिनी मूले यह नाम न्यूज हेडलाइंस पर आने लगा, क्योंकि उन्होंने उम्र के 61वें साल में अतुल गुर्टू नामक एक डॉक्टर से शादी की थी। यह फैसला सच में चौंकाने वाला था, पर सुहासिनी मूले के लिए सही साबित हुआ। आज वे खुशहाल जीवन जी रही हैं और अभिनय क्षेत्र में भी एक्टिव हैं। अपने जीवन में उन्होंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे और साथ ही 50 के उम्र में अभिनय क्षेत्र में दोबारा आकर 100 से भी अधिक फिल्मों में काम करते हुए स्टार कलाकार बनने का खिताब भी जीता। सच में सुहासिनी मूले का पूरा जीवन प्रेरणादायी और असामान्यताओं से भरा हुआ है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें।